अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली टू। मेक श्योर कि आज हमारा जो रिव्यू है वो इस बुक पे है। सो व्हाट दिस बुक टेल्स अस दैट हमारे मुस्लिम्स की कौन सी कंट्रीब्यूशंस रही हैं और आज कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, कौन सी फील्ड्स में हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू, इफ यू आर मुस्लिम देन मस्ट लिसन दिस वीडियो। आज आप लोगों को पता चलेगा कि हम मुसलमान जो है वो आज के वक्त में कहाँ पे खड़े हैं। देखें, हमारे मुसलमानों ने मेडिसिन पे काम किया, हमारे मुसलमान फिजिशियंस से, हमारे मुसलमानों ने यूनिवर्सिटीज़ ओपन की, हमारे मुसलमानों ने लाइब्रेरीज ओपन की, हमारे मुसलमानों ने बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी, हमारे मुसलमान फिलोसोफर बने, हमारे मुसलमान साइकोलॉजिस्ट बने, हमारे मुसलमान सर्जन्स बने, हमारे मुसलमान ने हर फील्ड पे काम किया, हमारे मुसलमान जो है वो एस्ट्रोनॉमर बने, सब काम किया। मगर आजकल वो मुसलमान कहाँ पे हैं? आजकल ये आज जिस बुक पे रिव्यू करने जा रहे हैं, हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या काम किन किनों ने किया ना। स्पेशली आज क्योंकि ये बुक एवेसिना पे है, एवेसिना हुआ इब्न सीना, ठीक है, इब्न सीना जो कि 980 को पैदा होते हैं और 1037 को वफात कर जाते हैं, जिनकी उम्र लगभग 57-55 ईयर्स थी और इतनी उम्र भी नहीं थी कि कंट्रीब्यूशन क्या होती। ये क्या करते हैं, फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कंटेंट इस बुक का क्या है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव बुक, अगर आप पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसकी रीडिंग जो है जाके 97 पेजेस तक ख़त्म हो जाती है। और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस बुक को 2 दिन में कंप्लीट किया है। ये बुक आपको बताती है कि आप इफ़ यू आर मुस्लिम कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, इफ़ यू आर ह्यूमन बींग आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं कंटेंट थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ कंटेंट क्या है इस बुक का। ये बुक पहले बताती है कि प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, क्योंकि इब्न सीना को प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहा जाता है बिकॉज ही वॉज ए फिजिशियन इन हिज टाइम, ठीक है। अच्छा, हम आगे देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ इस्लाम पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बॉय जीनियस है, नंबर थर्ड चैप्टर जो है कोड फिजिशियन है, क्योंकि एक कोड का इसको फिजिशियन भी रखा गया था, ठीक है, एज ए फिजिशियन। नंबर फोर्थ चैप्टर जो है ट्रैवलिंग फिलोसोफर है, ठीक है, डेथ ऑफ एन इंटेलेक्चुअल है और लास्टिंग लेगेसी है। अब इसमें यह बताता है कि ये बुक एक्चुअली बताती है कि डिफरेंट हमारे फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट मुस्लिम्स ने जो है वो काम किया हमारी मेडिसिन पे, उन्होंने काम किया है फिलोसफी पे, उन्होंने काम किया है साइकोलॉजी पे, उन्होंने काम किया है एस्ट्रोनॉमी पे, उन्होंने काम किया है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे। देखें, अब अल-फ़राबी, आई थिंक अल-फ़राबी हैं जो कि यहाँ पे मुझे नेम अगर याद है, तो उन्होंने काम किया था, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स होती है, उनका इलाज ढूंढा, उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो ढूंढे और उन्हीं का इलाज किया उन्होंने। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये किया था जिनका इलाज नहीं था। कैंसर का इन्होंने इलाज बताया, इब्न सीना ने कैंसर का इन्होंने इलाज बताया दिया था कैंसर की। अब देखें, एक बुक है कैनन, द कैनन की बुक है, 1 मिलियन से ज्यादा वर्ड्स पे वो मुश्तमिल है एक बुक इनकी, द कैनन जो लिखी हुई है। अब वहां पर इन्होंने एनाटॉमी इन्होंने बताई है, मतलब कि इंसान के सांचे सब कुछ इन्होंने ढांचे जो है वो बना बताया है, हर्ट बताया इन्होंने, सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे इन्होंने इस बुक में ऐसी बुक लिखी गई है ना, मैं तो पढ़ के हैरान सा हो गया था। ऐसी ऐसी बुक्स और भी लिखी गई है, ऐसी ऐसी बुक्स जो है इन्होंने और भी लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर हम बताएं, देखें ऐसे यहाँ पे देखें ये कैसे इलाज कर रहे हैं, कैसे इन्होंने मतलब क्योंकि ये बुक्स जो है ना, ये खुद इब्न सीना की बुक्स में लिए हुए हैं और ये पिक्चर्स ली हुई है इन्होंने। और ये जैसे कैसे कि उनको शागिर्द मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे खुद ये क्या कहते हैं कि दिया भी हुआ द कॉपी ऑफ फ्रेंच मैनुस्क्रिप्ट। देखे ना यहाँ पे, मतलब उन्होंने सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि ये पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कैसे जड़ी बूटियों से, ये इनके शागिर्द भी थे बहुत ज़्यादा थे। एक मशहूर बात है, वो जवाब देते हैं इब्न अल मंसूर को, जो कि एक बादशाह होते हैं।
अब क्या करते हैं कि जैसे क्योंकि ये फिलोसोफर थे, उनको पता नहीं था कि इब्ने सीना ने बुक्स वगैरह भी पढ़ी हुई हैं। ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन इन दैट टाइम, बट नोबडी न्यू कि ये फिलोसोफर भी है। तो फिलोसफी की जैसे कि बहस हो गई, तो इन्होंने जो फिलोसफी की बात करी, तो फिलोसफी की तो इब्ने मंसूर जो बादशाह थे, क्योंकि उनका इलाज भी इन्होंने किया था और उन्हीं की कोर्ट में, ये एज अ ग्रेट फिजिशियन भी थे, सबके लीडर भी थे उनकी कोर्ट में, मगर बात फिलोसफी की आई तो जब इन्होंने कहा तो, और उन्होंने इनको ताना दिया कि आपने कोई बुक पढ़ी नहीं है, बुक पढ़े तो आपको फिलोसफी का थोड़ा पता हो, उन्होंने ताना दिया ना इब्ने अल मंसूर ने। तो ये उसके बाद इन्होंने फील किया कि यस आई हैवंट रीड एनी टाइप ऑफ बुक्स रिलेटेड टू फिलोसफी, मगर ही हैज टू रीड। तो गए 3 साल लगा दिए, इतनी फिलोसफी पढ़ी, इतने बुक्स पढ़े रिलेटेड टू फिलोसफी के। उसके बाद जैसे आए ना और अपनी ही बुक देते हैं इब्ने अल मंसूर को, और इब्ने अल मंसूर देख के बुक को, समझने के लिए बुक को, ऐसे ऐसे यूं यूं करने लगता है, और फिर उससे बुक लेके इब्ने सीना कहता है आपने अगर फिलोसफी पढ़ी है ना तो आपको बाद में समझ आएगी, फिलोसफी की बुक पढ़ी है तो बाद में आपको समझ आएगी, आपने फिलोसफी पढ़ी नहीं है तो बुक ये समझ ही नहीं आएगी। बाद में उसको पता चला कि ही इज ऑल्सो फिलोसोफर, ही इज ऑल्सो राइटर, ही इज ऑल्सो फिजिशियन। अब ये लोग देखें, ये कौन था, मुसलमान था, कमिटमेंट थी इसके पास, क्या करना क्या नहीं करना, इसकी लाइफ जैसे ऐसे नहीं गुजरी है भाई, ऐसे नहीं गुजरी है इसकी लाइफ, इसकी लाइफ में बहुत हर्डल्स ही आई हैं। इन्होंने 4 महीने पूरे जेल काटे हैं, इन्होंने जंगलात में गुजारे हैं, इन्होंने सहरा में दिन गुजारे हैं, महीने गुजारे हैं। आप क्या कहते हैं बस से फिलोसोफर बन गए, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के पास, हमारे पास कमिटमेंट थी, उनके पास कंसिस्टेंसी थी, इन्होंने जिंदगी में शादी नहीं की, बिकॉज ही हैड अ पैशन कि ही हैज टू डू समथिंग। और ये बात भी याद रहे कि बड़े बड़े बादशाह महमूद गजनवी के वक्त में ये आए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, मैं ये वक्त 980 से लेकर 1037 तक ये वक्त महमूद गजनवी का था, उनके वक्त में थे। तो महमूद गजनवी का भी समय इनको साथ मिला, बट बीच में जो क्या कहते हैं चमचे होते हैं ना, वो बहुत मसला करते हैं, जब कोई आज भी मतलब आजकल भी है। तो ये बुक आपको ये बताती है कि आप मुसलमान हैं और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। यू आर मुस्लिम एंड यू हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दिस लाइफ एंड यू व्हाट यू कैन डू। अब इनकी फिलॉसफी, इनकी मेडिसिन की जो द कैनन बुक लिखी गई है, 1 मिलियन से ज्यादा वर्ड्स की बुक, 1 मिलियन बुक्स मायने रखता है, मतलब 1 मिलियन वर्ड्स जो है मायने रखते हैं, 1 मिलियन वर्ड्स पे एक बुक लिखी गई हो, और वही बुक आज की दुनिया में रिसर्च की जा रही है और वही बुक फॉलो की जा रही है, मगर हम मुसलमान हैं कि हमें पता नहीं है, हमें मुसलमानों का पता नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट आवर मुस्लिम्स डिड इन द पास्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए ना। अब मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत इसकी टाइमलाइन अगर मैं थोड़ी बता दूं एज पर फॉर योर काइंड नॉलेज। अच्छा, टाइमलाइन में ये होता है कि रोमन अम्पायर जो है हिस्टोरियन को सिग्निफाई करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये इन्होंने बताया कि इजिप्ट और पर्शिया को मुस्लिम आर्मीज ने इजिप्ट और पर्शिया को क्या कहते हैं कि जीता, मतलब कि इसको हम क्या कन्क्वायर किया, फतह किया। और बाद में है कि 661 में, मतलब 661 में सुन्नी शिया सेक्ट में हम, मतलब मुसलमान जो है चेंज हो गए। ये बुक 97 पेजेस की है मगर फुल ऑफ नॉलेज है, आपको पता चलेगा, और इसमें वैरायटी ऑफ नॉलेज है, जैसे इनके बारे में नहीं है सिर्फ, आपको पता चलेगा, और आपको पता जियोग्राफी का भी पता इसमें चलेगा, आपको टाइमलाइन का पता चलेगा, आपको डिफरेंट मुस्लिम्स का पता चलेगा कि डिफरेंट और मुसलमानों ने क्या क्या चीज़ें करी हैं हमारे लिए, वो भी आपको पता चलेगा, मगर यू हैव टू रीड एंड मेक श्योर कि ये बुक मेरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये सिंबल, ये चिप मेरी नहीं है, मैंने लाइब्रेरी से उठाई। अगर आप सखर आईवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको ये बुक रेफर कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर बुक पढ़ी है। ऐसी बुक और भी पढ़ी है, अलफराबी भी लिखी हुई है, अलराजी भी लिखी हुई है, सारों भी लिखी है, अलहसन पर लिखी हुई है, औरों भी लिखी हुई, ऐसी बुक बहुत पढ़ी है और मैंने पढ़नी है वो, इसके बाद मैंने दूसरी पढ़नी है। तो आप लोग पढ़नी चाहिए आप लोगों को, अगर आई बी एम या अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो आपको ऐसी बुक मिल जाएंगी। एक्चुअली ये ओरिजिनल फॉर्म है ना,
तो इसलिए दूसरे मतलब कि बुक स्टोर में से आम बुक स्टोर में नहीं मिलेगी, जैसे कि सखर में भी नहीं मिलेंगी, हो सकता है कराची के बुक स्टोर में मिल जाए। तो ये था कि देखें क्या हुआ कि नॉर्थ अफ्रीका को 698 में इन्होंने फतह किया मुसलमानों ने, एंड देन उमैद जो डायनेस्टी है वो और 750 में हुई, और उसके बाद जो है नंबर सिस्टम को अडेप्ट किया अरब स्कॉलर्स ने 760 में, एंड देन सॉरी अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाउस ऑफ विजडम वाज बिल्ट इन बगदाद 830 में, ठीक है, इब्न सीना 980 में पैदा हुए। उसके बाद जो है वो उनको 4 महीनों के लिए जेल में रखा गया 1020 में, 1020 में उनको मतलब 4 महीने के लिए जेल में रखा गया। जेल में भी ये किताबें लिखते रहे, जेल में भी ये सोचते रहे कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है, और जेल में भी ये बहुत कुछ करते रहे मतलब अपने मुसलमान उम्मा के लिए अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। और 1022 में जो है वो हमादान से लेकर इस्फहान तक उन्होंने ट्रैवल किया, क्योंकि जेल से जैसे निकले कि वो इलाका छोड़ के चले गए। उसके बाद इनकी फाइनल डेथ हुई कॉलिक, एक बीमारी है कॉलिक बीमारी है, उस बीमारी में मतलब एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम था उनको, उस बीमारी में वो चल बसे इस दुनिया से 1037 में। तो क्योंकि इसकी लाइफ पूरी पढ़ने में तो हमें घंटे लग जाएंगे, मगर ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको छोटे से मतलब थोड़े से पेजेस पे आपको इनकी लाइफ का भी पता चल जाएगा, दूसरे मुसलमानों का पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर इम्पोर्टेंस। सो गाइज मस्ट रीड दीज टाइप ऑफ बुक्स एंड मस्ट रीड आवर मुस्लिम्स बायोग्राफीज, मस्ट रीड द कंसेप्चुअल थिंग्स ऑफ आवर मुस्लिम्स, मस्ट रीड द अचीवमेंट्स ऑफ आवर मुस्लिम्स, एंड मस्ट बी अचीवर, ओके, मस्ट बी अचीवर, डोंट जस्ट बी a reader of biographies of our Muslims or achievements of our Muslim, also be achiever. पढ़ते भी चाहिए इनको और लाइफ में देखिए कि what I am doing, जो इन्होंने किया था क्या मैं कर रहा हूँ। चलो as it is ना करें आप, कम से कम कुछ तो करें कि आप मुस्लिम लगे, कि जज्बा तो लगे ना कि हम मुसलमानों में इतना जज्बा है हम कुछ कर सकते हैं। नहीं कर रहे यार हम आवाज करो ना गुलामी। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बड़ा ही मशहूर एक सेंटेंस कहा था कि एक वक्त था जब हम जंगजू थे और ईसाई बादशाह थे, मतलब बादशाह होते थे ना जंगजू, सारा काम जंगजू के हवाले होता था, मगर आज वक्त ऐसा है कि वो जंगजू हैं और हम बादशाह बने बैठे हैं, और बादशाह और ऐश और आराम में बैठे हैं। आज वही वक्त है, हमारा सऊदी अरबिया बादशाह है और हुकूमत किसी और की है। उस टाइम फलस्तीन, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था मैं फलस्तीन तो ले लूंगा मगर मुसलमानों से छिन जाएगा। आज वही वक्त है कि फलस्तीन की हुकूमत ऐसा समझे चल रही है हम पे। तो ये वक्त ऐसा है जहां पे हमें कुछ करना है, जहां पे हमें इंडिविजुअली होके सोचना है कि व्हाट आई एम डूइंग बीइंग अ मुस्लिम। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेट फॉर अनदर बेस्ट बुक।